नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आपका दोस्त पुरतिहार किचन में आज आपके लिए बहुत ही अच्छी पौष्टिक सात्विक रेसिपी लेके आया हूँ। गुड़ और आटे का हलवा, जो आइए बनाना शुरू करते। इसके लिए लगने वाली सामग्री है आटा एक बॉल, घी एक कप, गुड़ एक बड़ी कटोरी, किशमिश, काजू, बादाम, इलायची पाउडर और गार्निशिंग के लिए चॉप बादाम। तो अभी हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में एक कप घी डालेंगे, आटा भी डालेंगे एक बॉल, और इस आटे को 10 मिनट तक धीमी आंच पर भूनते रहेंगे, एकदम सुनहरा होने तक भूनते रहेंगे। तो चलिए, तब तक हम एक पैन में 4 कप पानी उबलने के लिए रखेंगे। अब इसमें गुड़ भी डाल देंगे पानी में। अब धीरे धीरे पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है। अभी मेरा जो आटा है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं इसमें मेरा काजू और अपना बादाम डाल दूंगा। हमारी गुड़ की चाशनी तैयार हो गई, उबल गई लगभग। अभी इसमें आटे के अंदर डाल देंगे और थोड़ा धीमी आंच पे कर देंगे। सुगंध आ रही है और बहुत ही अच्छे से ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो। अभी हमारा हलवा लगभग बन चुका है और अभी हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अभी हमारा हलवा तैयार हो चुका है। यह जो रेसिपी है पुराने ज़माने में मेरी दादी बनाया करती थी। पहले ज़माने में गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, आज का दौर भी वही है। इसीलिए यह रेसिपी ट्रेडिशनल और बहुत ही सात्विक और पौष्टिक है। दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाया ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए मेरी अगली रेसिपी लेके आऊँगा।